नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूतपूर्व खिलाड़ी अजीत वाडेकर के बारे में, जिसकी कप्तानी में भारत अपना पहला वनडे मैच खेला था। उनका पूरा नाम अजीत लक्ष्मण वाडेकर था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण वाडेकर उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलना पसंद किया। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 13 दिसंबर 1966 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुंबई में खेला था। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 8 रन और दूसरी पारी में मात्र 4 रन बनाए थे। यह मैच वेस्ट इंडीज़ 6 विकेट से जीत गया था। वो भारत के 16वें टेस्ट कप्तान थे और उनकी कप्तानी में भारत 16 टेस्ट मैच खेला था, जिसमें से 4 टेस्ट मैच में जीत मिली थी, 4 मैच हारा था और 8 मैच ड्रॉ रही थी। उनकी कप्तानी में भारत वेस्ट इंडीज़ में अपना पहला टेस्ट सीरीज़ जीता था। भारत 1970-71 में वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने गया। इस सीरीज़ में सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई के जोरदार प्रदर्शन की मदद से भारत यह सीरीज़ 1-0 से जीत गया था। उनकी कप्तानी में भारत को इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट मैच जीत मिली थी। भारत इंग्लैंड में 1971 में 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने गया था। तब उन्होंने 3 मैच की 6 पारी में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 204 रन बनाए थे। भारत यह सीरीज़ 1-0 से जीत गया था और यह इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट सीरीज़ जीत थी। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 37 मैच खेले, जिसकी 71 पारी में 31.07 की औसत और 87.21 के स्ट्राइक रेट से 2113 रन बनाए, जिसमें 14 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 143 रन का रहा। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 4 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेला था। उन्होंने इस मैच में पहली पारी में 36 रन और दूसरी पारी में 5 रन बनाए थे। यह मैच इंग्लैंड 1 पारी और 78 रन से जीत गया था। भारत अपना पहला वनडे मैच अजीत वाडेकर की कप्तानी में खेला था। वो भारत की ओर से 2 वनडे मैच खेले हैं। दोनों ही वनडे मैच 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। उन्होंने पहले मैच में 67 रन बनाए थे और दूसरे मैच में मात्र 6 रन बनाए थे। ये दोनों ही मैच भारत हार गया था। वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में मुंबई की ओर से खेले हैं। उन्होंने मुंबई की ओर से 11 रणजी ट्रॉफी फाइनल खेली, जिसमें सभी फाइनल में मुंबई को जीत मिली थी। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 237 मैच खेले, जिसकी 360 पारी में 47.03 की औसत से 15,380 रन बनाए, जिसमें 84 अर्धशतक और 36 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 323 रन का रहा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 43.23 की औसत से 21 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने अपने लिस्ट या क्रिकेट करियर में 5 मैच खेले, जिसके 4 पारी में 64.33 की औसत से 193 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 87 रनों का रहा। उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर 1966 से 1974 तक 9 साल का रहा। उनको
1967 में अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड और कैस्ट्रोल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में टेस्ट प्लेयर, कप्तान, कोच या मैनेजर और चयनकर्ता के रूप में योगदान दिया है। उनके अलावा लाला अमरनाथ और चंदू बोर्डे ही ऐसे अन्य खिलाड़ी हैं। वह 1992 से 1996 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे थे। 15 अगस्त 2018 को वाडेकर का 77 साल की आयु में मुंबई के जसलोक अस्पताल में बीमारी के कारण निधन हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल क्रिक टुडे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।